नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। शाम तक की बड़ी खबरों को जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में शराबबंदी के पूरे हुए 5 साल, बगैर मास्क घूमने पर अब कटेगा चालान। बिहार के 20 जिलों में बारिश के आसार। बिहार में कोरोना के मिले 100 से कम मामले। गांव में कोरोना के रोकथाम के लिए हुई विशेष तैयारी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPCL ने निकाली रखतियां। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPCL ने असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, अकाउंट्स ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर, सीनियर इंडस्ट्रियल इंजीनियर के कुल मिलाकर 105 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक अनुशासन में स्नातक डिग्री या CA या ICWA या MBA फाइनेंस या लॉ ग्रेजुएशन या PG या समकक्ष या PG के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री या संबंधित संकाय में समकक्ष की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 16 अप्रैल 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.upcl.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बच्चों के नाम लिखा खत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी स्कूली बच्चों के लिए बिहार दिवस के मौके पर पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने नसीहत दी है कि खूब पढ़े और खुद को गढ़े। उन्होंने लिखा है, बचपन जीवन का अनमोल समय है। यह जीवन के लक्ष्यों को लेकर नींव डालने का वक्त होता है। विश्व को बेहतर बनाने के लिए सच्चाई का रास्ता हमेशा चुनना है। बुराई से दूरी रखनी है। माता पिता का कहना मानना है और बुजुर्गों का आदर करना है। बड़े सपने देखने हैं, क्योंकि सपने ही अपने अंदर बेहतर करने का जुनून पैदा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों के बेहतर कल बनाने की भी नसीहत दी है। साथ ही साथ पढ़ाई और खेलकूद दोनों को साथ लेकर चलने की बात भी कही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बच्चों को लिखे पत्र में यह भी कहा है कि बिहार के भविष्य को स्वर्णिम बनाने की जिम्मेदारी नई पीढ़ी पर है। बिना मास्क के घूमने वालों को अब भरना होगा जुर्माना। कोरोना ने अपना फन लाना शुरू कर दिया है। जहां कुछ समय पहले कोरोना के नियंत्रित होने का अनुमान लगाया जा रहा था, वहीं कुछ समय बाद अब कोरोना ने वही रूप धारण करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद ही बिहार में भी एहतियाती कदम उठाए जाने की पहल की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत बिना मास्क के घूमने वालों को जुर्माना देने का प्रावधान जारी किया गया है। बिहार में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी क्रम में राजधानी पटना में प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल की बैठक में जिलाधिकारी को भी निर्देश दिया गया है, जिसके बाद जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने टीम गठित कर चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश जारी कर दिया है। इसके साथ ही डीएम ने सभी लोगों से मास्क को पहनने और सैनिटाइजेशन का पालन करने की नसीहत दी है। बिहार में इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति को किया गया लॉन्च। शाहनवाज हुसैन ने जब से उद्योग विभाग की जिम्मेदारी संभाली है, तब से बिहार में उद्योग को स्थापित करने की पहल की शुरुआत जोर शोर से देखने को मिली है। इसी क्रम में शाहनवाज हुसैन के ही सकारात्मक पहल के बाद उद्योग मंत्री ने इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 को लॉन्च कर दिया है, जिसके तहत इस मौके पर उद्योग विभाग के सभी अधिकारी, बिहार के कई उद्यमी मौजूद रहे। इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने बताया कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने उद्योग के अलावा इथेनॉल पॉलिसी बनाने का काम किया है। इस दौरान उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि हमारे पास बेस्ट मुख्यमंत्री और बेस्ट अधिकारियों की टीम है, जिसकी बदौलत इतने कम समय में हमने इथेनॉल की पॉलिसी तैयार की है और आज इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति को लॉन्च कर दिया है। बिहार में पॉलिसी बनने के पहले से ही निवेशकों ने हमसे संपर्क करना शुरू कर दिया था। बहुत जल्द बिहार में इथेनॉल उत्पादन का कार्य शुरू होगा। बिहार में शराबबंदी के पूरे हुए 5 साल। आज से ठीक 5 साल पहले बिहार को शराबबंदी के दंश से निकालने की पहली कोशिश की गई थी, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने चुनावी वादे के अनुसार शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से बंदी लगाने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद बिहार में बदलाव की एक नई लहर देखने को मिली थी। हालांकि आज 5 साल बाद अवैध शराब और शराब कारोबारी ने एक बार फिर से अपना व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसके कारण ही सरकार को काफी किरकिरी का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में मद्य निषेध विभाग की तरफ से भी चौंकाने वाले आंकड़े को जारी किया गया है, जिसके तहत मद्य निषेध विभाग के संयुक्त आयुक्त कृष्ण पासवान ने बताया है कि बीते वर्ष 2016 में 1,65,035 लीटर देसी और विदेशी शराब पकड़ी गई थी। वर्ष 2017 में आंकड़ा बढ़कर 3,26,366 लीटर पहुंचा है। साल 2018 की अगर बात करें तो 6,41,617 लीटर अवैध शराब की खेप बरामदगी हुई है। उत्तर बिहार के पहले प्लेस ऑफ सेफ्टी का हुआ उद्घाटन। बीते दिन सहरसा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, जिसके तहत उत्तर बिहार का पहला प्लेस ऑफ सेफ्टी बनकर तैयार हो गया है। इतना ही नहीं, बीते दिन इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है, जिसके तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ला ने खुद ही इसका उद्घाटन किया है। उद्घाटन के दौरान कार्यक्रम में जिलाधिकारी कौशल कुमार, SP लिपि सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बच्चों के अधिकारों को प्रोत्साहित और सुरक्षित करने के उद्देश्य पर आधारित इस बाल सुधार गृह में 14 जिलों के 16 से 18 वर्ष के विधि विवादित बच्चे रहेंगे। वहीं 18 से ऊपर होने पर दोष सिद्ध बच्चों को पटना स्थित स्पेशल होम भेजा जाएगा। इसके अलावा 16 साल के कम उम्र के बच्चों को पर्यवेक्षण गृह भेजा जाएगा। महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे ईव टीजिंग को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका
का हुए दर्ज। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के साथ होने वाले ईव टीजिंग पर लगाम लगाने और उससे निजात दिलाने के लिए ठोस कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीति बनाने की मांग को लेकर एक लोकहित याचिका दर्ज करवाई गई है, जिसके तहत यह याचिका अधिवक्ता ओम प्रकाश ने ई फाइलिंग से दायर की है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को ईव टीजिंग से बचाने की दिशा में कई दिशा निर्देश जारी किया था, लेकिन राज्य में उसे अब तक लागू नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को राज्य सरकार को लागू करना अनिवार्य है। कोर्ट आदेश में शिक्षण संस्थान, गर्ल्स हॉस्टल, कार्यरत महिला हॉस्टल, बाजार, सिनेमा हॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक परिवहन, रेल, धार्मिक स्थल, जगहों पर महिला पुलिस के दस्ते की तैनाती करने का आदेश जारी किया गया है। पटना समेत बिहार के 20 जिलों में बारिश के आसार। पटना सहित बिहार के 20 जिलों में आज और कल बारिश के साथ साथ गरज की संभावनाएं जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से मौसम के मौजूदा हाल को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी की स्थिति बनने के आसार जताए गए हैं। हालांकि मौसम विभाग की माने तो बारिश की तीव्रता बहुत अधिक दर्ज नहीं की जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया और पूर्णिया जिले में गरज तड़क के साथ साथ बारिश की स्थिति बन सकती है। इन जिलों में एक दो जगह पर शनिवार सुबह से लेकर दोपहर बाद तक आंधी पानी के आसार जताए गए हैं। बिहार में कोरोना के मिले 100 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 90 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं बीते 24 घंटे में 58 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित जिले की बात करें तो राजधानी पटना में 25 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अगर हम बिहार में रिकवरी दर की बात करें तो यह 99.24% दर्ज की गई है। वहीं बिहार में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या की बात करें तो यह 2,61,362 पर पहुंच गई है, जिसके बाद अब बिहार में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 436 बच गई है। गांव में कोरोना को रोकने को लेकर तैयार हुई विशेष नीति। भारत के कई राज्यों में कोरोना के दूसरे लहर की शुरुआत देखने को मिल गई है। वहीं अब बिहार में भी मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार के गांव में कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण के विस्तार को रोकने और संक्रमितों की पहचान पर तत्काल इलाज की सुविधा देने को लेकर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्तर पर मेडिकल टीम का गठन किया गया है। हर टीम में चिकित्सा पदाधिकारी के साथ ही 3 स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। राज्य भर में प्रखंड स्तर पर फिलहाल 533 PHC है। एयरपोर्ट, बस स्टैंड पर कोरोना जांच की कार्रवाई शुरू किए जाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्र में सड़क मार्ग से दूसरे राज्यों से आने वाले कोरोना संक्रमितों की पहचान करने को लेकर यह टीम कार्य करेगी। बिहार में अब सरकारी ठेकों में नहीं होगा निकाय प्रतिनिधियों का दखल। बिहार के सभी शहरी निकायों के पार्षदों के लिए अहम सूचना। अब सभी शहरी निकायों के पार्षद अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके किसी भी निविदा को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, अब ऐसे पार्षद खुद या उनके परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा कोई ठेका नहीं ले सकेगा। इससे जुड़ी समिति में पार्षद सदस्य होंगे। राज्य सरकार ने निकाय प्रतिनिधियों की तरफ से सरकारी ठेकों और अन्य आर्थिक लाभ के काम में दखल को रोकने के लिए नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 53 में संशोधन कर दिया है। ज्ञात हो ठेका में निकाय प्रतिनिधियों की दखल के चलते सरकारी कार्यों की गति और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती है। ऐसे कई मामले बीते दिनों भी विभाग और सरकार तक पहुंचते रहे हैं। इन्हीं सब को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका विधेयक में कई संशोधन में इसे भी शामिल किया गया है। राजद के आरोप पर जदयू ने किया पलटवार। जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय सिंह ने तेजस्वी की तरफ से दिए गए बयान का पलटवार किया है। आपको याद दिला दें कि बीते दिन ही तेजस्वी यादव ने अपना बयान जारी करते हुए कहा था कि राज्य सरकार के 64% अर्थात 18 मंत्री दागी है। इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज है। इनमें 14 मंत्रियों के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज है। ADR की रिपोर्ट में इसका साफ उल्लेख किया गया है, जिसके जवाब में जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव जिस ADR की रिपोर्ट का मामला उठा रहे हैं उसी के मुताबिक उनके 75 में से 54 विधायक आपराधिक मामलों में संलिप्त है, अर्थात उनके 73% विधायक दागी है। कटिहार के किसानों ने किया शुद्ध हरित क्रांति का आगाज। देश में कोरोना के बाद अब लोग स्वास्थ्य और खानपान को लेकर के और ज्यादा सजग हो गए हैं। पहले के मुकाबले अब लोगों ने भी अपने खानपान में काफी ज्यादा बदलाव कर दिया है, जिसके तहत अब लोग जैविक खाद्य पदार्थ और जैविक फसलों का मोल समझने लगे हैं। इसके साथ ही किसानों का रुझान भी जैविक खेती की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर कटिहार के किसानों ने भी एक खास पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत कटिहार सदर अनुमंडल के धर्मगंज के किसानों ने शुद्ध हरित क्रांति की पहल की है। 30 किसानों ने मिलकर लगभग 30 एकड़ जमीन पर क्लस्टर बनाकर खेती शुरू की है। सभी किसान आलू, बैंगन, टमाटर, कद्दू जैसी सब्जी की खेती बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जैविक क्रांति की तरफ अग्रसर ये किसान अपने खेत में कोई रासायनिक या कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी T20 मैच को लेकर आकाश चोपड़ा ने की भविष्यवाणी। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की T20 सीरीज का अंतिम और निर्णायक मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज अभी 2-2 की बराबरी पर है और इस मुकाबले में जीत दर्ज करने वाली टीम सीरीज को भी अपने नाम करेगी। इसी बीच आकाश चोपड़ा का मानना है कि 5वें T20 मैच में भारत का पलड़ा भारी है और टीम T20 सीरीज को अपने नाम करने में सफल रहेगी।
उन्होंने इसके पीछे का कारण बताते हुए कहा है कि रोहित शर्मा लगातार दो मैच में फ्लॉप हो चुके हैं और ऐसे में वो मैच में धमाकेदार पारी खेल सकते हैं। आकाश ने कहा है कि विराट कोहली की फॉर्म और सूर्य कुमार के आने से टीम की बैटिंग भी काफी मजबूत नजर आ रही है। कपड़ों के कारण करीना कपूर खान हुई ट्रोल। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान डिलीवरी के कुछ वक्त बाद ही दोबारा से बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ गई है। एक और जहां करीना सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ रियल लाइफ में भी फिर से वो सोशल हो गई है। ऐसे में करीना कपूर खान हाल ही में करण जौहर के घर रवाना हुई, लेकिन इस बार अपने कपड़ों के चलते ट्रोल हो गई। इस दौरान करीना ने जेब्रा प्रिंट आउटफिट पहने हुए थे। एक और जहां उनका ये अवतार कुछ फैंस को काफी पसंद आया, तो वहीं दूसरी तरफ करीना को ट्रोल करने वाले भी सोशल मीडिया यूजर कम नहीं रहे। कई लोगों ने करीना की तुलना जेब्रा से कर दी और करीना को जेब्रा कपूर भी कह दिया। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के बढ़ते माहौल को देखते हुए क्या स्कूल कॉलेज को बंद कर देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।